हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर जय भीम सैनिक संगठन धामनोद एवं समस्त सामाजिक संगठनों ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण दीप एवं मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन संगठन के बुद्धिजीवी साथी लल्लू पांडे जी ने किया, जिन्होंने बाबा साहब के संघर्ष, त्याग एवं बलिदान के बारे में युवा पीढ़ी को अवगत कराया, साथ ही उनके आदर्श विचारों पर चलने के लिए प्रेरित किया। अंत में सभी साथियों ने 2 मिनट का मौन रख बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में लल्लू पांडे, दीपक शिंदे, मनीष जी खांडे, ऋषभ साकले, लोकेश शिंदे, रवि चौहान, निर्मल वर्मा, राहुल साठे, अन्य भीम अनुयायी उपस्थित रहे। वो एक तरह का समाजवाद का एक उदाहरण है वो। हाँ। तो अपना खुद का भला ज्यादा ना सोचते हुए खुद का भी करो, साथ में पड़ोसियों का, अपने जो समाज वाले हैं उनका भी, सबको लेकर चलना चाहिए। जी, जैसे कि बताया है अभी गज भैया ने, एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया, जो बांस का छैया नहीं मिलती उसकी, बहुत अच्छा उदाहरण था। पर मैं भी कहना चाहता हूँ समाज को कि समाज, सभी प्रकार की समाज जागे। बाबा साहब सिर्फ एक समाज के नहीं थे, सर्व समाज के थे। सभी समाज के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, वो सब भली भांति अच्छा जानते हैं आप लोग। मैं न्यूज हलचल से, हलचल इंडिया से दीपक कुमार सिंधे की रिपोर्ट, धन्यवाद। मेरा नाम राकेश कुमार गजभिये। राकेश जी गजभिये जी, जी कुछ यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम है, यहाँ पर सब अनुयायी इकट्ठे हुए हैं, इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसा कि सर्वविदित है कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है। हाँ हाँ। तो इसीलिए सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब एकत्रित हुए थे जी। बस उसी उपलक्ष में बस ये वही कार्यक्रम था। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आप? समाज को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि सर्व समाज को, सिर्फ समाज को नहीं, बाबा साहब सभी के थे, सभी समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? सभी समाज को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि सामाजिक विचारधारा को लेकर चले और समाज के प्रति अपना जो उत्तरदायित्व है उसको निभाए जी। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि समाजवाद क्या है या समाज क्या है क्या नहीं। जैसे अब सिंपल शब्दों में बताता हूँ, जैसे अपन कहीं खेत जा रहे हो, अच्छा अच्छा, और कभी धूप ज्यादा पड़ रही है, तो कहीं बात